में नकल पर लगाम तो लग रही है, लेकिन नकल के डर से परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के छात्रों के लिए काफी बड़ी खबर अभी अभी आप सभी के लिए आ चुकी है। हिंदी में फेल होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं योगी सरकार ने इस बार कॉपियों को चेक करने में नरमी अपनाने को कहा है। सभी शिक्षकों ने अभी तक की जो रिव्यूज दिए हैं उसके हिसाब से इस बार स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के चलते 10वीं और 12वीं में छात्र और छात्राओं के अंक अच्छे खासे बन रहे हैं। 90% से ज़्यादा इस बार स्कोर बढ़ेगा। साथ ही साथ अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की नई स्कीम अपनाई जा रही है। आपको बता दें योगी सरकार ने बढ़ती हुई अब्सेंटी को देखकर और नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब्सेंटी यहाँ पर हो चुकी है एग्जाम में, जिसके चलते अब कॉपियों को चेक करने में नरमी बढ़ती जा रही है। वहीं OMR सीट की कॉपियाँ चेक होने के लिए भेजी जा चुकी हैं। अपडेट आ चुकी है 15 मार्च 2023 तक OMR सीट की कॉपियां चेक हो जाएंगी। वहीं रिजल्ट आप सभी का 25 से लेकर 31 मार्च के बीच में ऑफिशियल साइट्स पर जारी कर दिया जाएगा। काफी बड़ी खबर।